नमस्कार दोस्तों मैं हूं संचारी और दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ई एज कुकिंग पर आज मैं लेकर आई हूं बिल्कुल धावा स्टाइल में बनने वाली एक करी की रेसिपी जो बहुत ही स्पाइसी बहुत ही टेंटिंग एंड बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होता है तो अंडा करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है फोर एग्स एक को अच्छे से बॉईल करने के बाद इसका छिलका हम उतार देंगे और एक को हमें अच्छे से मैरीनेट करना है जस्ट पाँच मिनट के लिए तो मैरीनेट करने से पहले एक चाकू से एक के ऊपर हम चारों तरफ से हल्का सा चीरा लगा देंगे ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें मसाला इसके अंदर तक अच्छे से चला जाए ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक साथ में डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल दूंगी रेड चिली पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे और जस्ट पाँच मिनट के लिए एक को हम रेस्ट में रखेंगे ताकि अच्छे से मसालों से कोट हो जाए पाँच मिनट होने के बाद एक पैन गरम करके उसमें हम डालेंगे चार से पाँच बड़े चम्मच भर के मास्टर्ड ऑयल और एक को हमें फ्राई कर लेना है एक चीज़ का ध्यान रखिए एक को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे बहुत हाई फ्लेम में इसको हमें फ्राई नहीं करना है मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए एक को हमें फ्राई कर लेना है ताकि एक का जो कलर है वो एज इज रहे और एक चारों तरफ से अच्छे से फ्राई भी हो जाए तो एक फ्राई हो जाने के बाद उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ क्यूमिन सीड्स यानी जीरा आधा चम्मच साथ में डालूँगी लौंग एंड दालचीनी और एक सूखी हुई लाल मिर्ची थोड़ा सा सॉटे कर लेंगी जस्ट टेन सेकेंड्स के लिए मसाला अच्छे से भून चुका है अभी इसमें हम डालेंगे कटे हुए ऑनियन यहाँ पर फोर मीडियम साइज के ऑनियन को फाइनली चॉप करके मैं रखी थी उसी को मैं डाल रही हूँ ऑनियन आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है प्याज को डालने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखते हुए हमें प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको आपको फ्राई नहीं करना है नहीं तो ये जल जाएगा और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी सही नहीं आएगा तो चार से पाँच मिनट ऑनियन को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट एक बड़े चम्मच भर के अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर से लो टू मीडियम हीट में दो से तीन मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी बीच बीच में चलाते हुए आपको इसको फ्राई करना है अभी दो से तीन मिनट हो चुका है प्याज में हम डालेंगे कटे हुए टमाटर दो स्मॉल साइज़ के टमाटर को मैं फाइनली चॉप करके रखी थी वो मैं डाल रही हूँ टमाटर डालने से ये जो ग्रेवी का टेक्सचर है कमाल के आएगी और टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा तो टमाटर ज़रूर डालिए और टमाटर डालने के बाद ऊपर से हम डालेंगे एक चम्मच भर के धनिया पाउडर और एक चम्मच भर के डालेंगे जीरा पाउडर साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर और डाल देंगे एक बड़े चम्मच भर के रेड चिली पाउडर तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए जितना तीखा आपको खाना पसंद है अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा के तब तक हमें मसालों को भूनना है जब तक ना मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो और ढक्कन लगाने से पहले पॉजिटिवली आप ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि ये जो मसाला है इसका जो फ्राई होने का प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसको हमें मीडियम फ्लेम में कुक करना है जब तक ना ऑयल सेपरेट होना शुरू करे बीच बीच में आप इसको चलाते रहिएगा तो अभी आप देख सकते हो मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है इसी टाइम में जो फ्राइड अंडा है उसको हम डाल देंगे और अंडा डालने के बाद मसालों के साथ अंडा को हम फिर से दो से तीन मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाला का जो फ्लेवर है वो अंडा में अच्छे से, से सेट हो जाए अभी इसमें मैं डाल रही हूँ जस्ट आधा कप के करीब पानी पानी आप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालिए ग्रेवी हमें ऐसा रखना है कि ग्रेवी ड्राई भी हो और साथ में मॉइस भी हो तो इसीलिए जस्ट मैं आधा कप पानी का यूज़ कर रही हूँ साथ में डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर और स्लीटेड ग्रीन चिली अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो मिनट के लिए लो फ्लेम में फिर से हम इसको पकाएंगे एक चीज़ का ध्यान रखिए ऐसा अंडा करी बनाने के लिए मसालों को भूनना इज़ द मेन थिंग जितना टाइम लेके आप मसालों को भूनेंगे ग्रेवी का टेक्स्चर ग्रेवी टेस्ट उतना ही निखर के आएगा तो ये चीज़ का ध्यान रखिए तो दो से तीन मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करने के बाद एंड में इसका जो टेस्ट है चेक करने के बाद मैं थोड़ा सा नमक फिर से डाली हूँ अभी आप देख सकते हो ये जो एक कड़ी है बन के बिल्कुल रेडी है क्योंकि मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है तो अभी हम इसको सर्व कर लेंगे बहुत ही सिंपल है घर में ही आप बिल्कुल ढाबा स्टाइल अंडा करी बना के रेडी कर सकते हो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है तो इसको एक बार डेफिनेटली इसी प्रोसेस में ट्राई कीजिएगा एंड शेयर योर फीडबैक विथ मी और ये जो अंडा करी है ना इसको पुलाव के साथ राइस के साथ रोटी चपाती किसी के साथ भी सर्व करो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हो कोई न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टेक केयर स्टे सेफ़ स्टे हेल्दी बाय बाय